दोस्तों इस प्रकार से हम टाइल्स लगाएंगे, यहाँ पे वाइट टाइल्स लगाएंगे और ये रहेगा डीप में पत्थर वो टाइल्स, और ये रहेगा यहाँ पे सैम्बर। तो ये कटिंग किया काठ कोनिया की सहायता से, मैं आपको दिखाता हूँ इस प्रकार से, एक एक पॉइंट दिखाता हूँ बारीक से, दोस्तों ध्यान से समझे। मैं आज आपको बताता हूँ सीढ़ी की रेंज में डिजाइन कैसे बनाया, डिजाइन के बारे में। ये सीढ़ी की रेंज हमने काटी है ग्रेनाइट की, और इसमें यहाँ पे लगाएंगे टाइल्स, वाइट टाइल्स की डिजाइन, और इसकी कटिंग कैसे करें इस प्रकार से हम कटिंग करेंगे, और कटिंग करने के बाद में इसमें लगाएंगे वाइट टाइल्स की डिजाइन। और ये रेंज काटी है दोस्तों, ये रेंज यहाँ तक रहेगी, और ये हमने एक्स्ट्रा काटी है, तो ये क्या अपने फर्श में बैठ जाएगी, तो फर्श में बैठेगी ये रेंज, तो सारी सीढ़ियों की मजबूती डबल हो जाएगी इस प्रकार से। दोस्तों फर्स्ट वाली रेंज को बड़ी रखे, ये जैसे आपके हिसाब से 1 इंच या 2 इंच वो फर्श में जानी जरूरी है, इस बात का दोस्तों ध्यान रखें। और मैं आपको कटिंग करके या डिजाइन फिटिंग के बारे में पूरा वीडियो आपको बना के दिखाता हूँ, और रेंज में डिजाइन बनाने का सिखाता हूँ आपको दोस्तों। पत्थर को लेंगे यहाँ पे, और कटिंग कैसे करें इसकी, और पूरी पट्टी की कटिंग कैसे करें, कटिंग के बारे में पूरा बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। वीडियो को दोस्तों एंड तक देखना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि इस प्रकार से कटिंग करें। कटिंग कर देंगे एक ही माप की, सारी रेंज में डिजाइन कटिंग करेंगे। तो पहले सबसे पहले कटिंग करते वक्त में इस बात का ध्यान रखें कि पत्थर की नाप ले लेते हैं, 75.5 है, तो ये 75 पे आएगा अपना सेंटर, और यहाँ से हम बनाएंगे डिजाइन कटिंग। तो डिजाइन कटिंग यहाँ से लिया अपना 13 इंच, 13 दूनी 26 इंच पे हम करेंगे कटिंग, ये यहाँ से ये कटिंग, तो यहाँ से ये कटिंग करेंगे 3 इंच, ये तो 3 इंच परफेक्ट, सारी रेजर में एक ही नाप से कटिंग करेंगे, एक ही नाप से फरमे की सहायता से हम कटिंग करेंगे ये दोस्तों, ये और ये काठ कोनिया की सहायता से हम यहाँ पर करेंगे कट, वो ग्लेंडर से कटिंग करेंगे, बाकी सब ये कटर मशीन से गेज से कटिंग करेंगे, और ये 45 डिग्री कटिंग वो करेंगे, वो ग्लेंडर से कटिंग करेंगे, ये ऐसा कटिंग आएगा, और ये से यहाँ से ये कटिंग, और ये मैंने पट्टा फिटिंग किया है, पट्टा फिटिंग करने के बाद में यहाँ से करेंगे कटिंग, ये हमारे राम भाई मिस्त्री कटिंग करेंगे यहाँ से। मैं आपको पूरा नॉलेज बताता हूँ इसका कटिंग के बारे में और फिटिंग। अब यहाँ से 20 में से राम भाई मिस्त्री कटिंग करेंगे, सारे पट्टे एक ही नाप से कटिंग किया है, और गेज से फिटिंग करके कटिंग करने का ये बेस्ट फायदा रहता है, सारी कटिंग एक ही नाप से आएगी। जहाँ तक मार्किंग किया था उसी मार्किंग तक कटिंग किया, अब इसको करेंगे ग्लेंडर से कटिंग। मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाता हूँ, और वीडियो को दोस्तों एंड तक देखना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करें, आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी हर सोमवार शाम 6 बजे, ऐसे हेल्पफुल वीडियो हम बनाते रहते हैं दोस्तों इसी गेज से हम टाइल्स कटिंग करेंगे, वो का वो सेम टू सेम माप इसमें टाइल्स की पट्टी आएगी, सेम नाप से कटिंग करेंगे टाइल्स में। आगे दिखाता हूँ, अब दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सैम्बर मारेंगे, सैम्बर लगाएंगे, सैम्बर लगाने के बाद में और टाइल्स डीप में रखेंगे। मैं आपको टाइल्स का डीप रखता बताता हूँ, ये इतनी टाइल्स डीप में रखेंगे दोस्तों, ये ऐसे डीप में रहेंगे, और यहाँ पे हम बनाएंगे इसका सैम्बर।
दोस्तों इस प्रकार से हम टाइल्स लगाएंगे, यहाँ पे वाइट टाइल्स लगाएंगे और ये रहेगा डीप में पत्थर वो टाइल्स, और ये रहेगा यहाँ पे सैम्बर। सैम्बर लगाने से इस प्रकार से लुक आएगा दोस्तों रेजर में। और यहाँ से फर्श आएगा, ये फर्श में डूब जाएगा, फर्श वाली रेजर है, और बाकी रेजर आएगी ये आपसे फाइनल। मैं आपको आगे दिखाता हूँ, आप पूरा वीडियो को एंड तक देखें, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे लगाएंगे पॉलिश। दोस्तों टाइट काटेंगे तो मशीन रहेगा ऊपर, और इसमें 06 प्लेट से कटिंग करेंगे और इसकी धार आएगी फ्रेश प्लेट से, इस प्रकार से कटिंग करेंगे 06 प्लेट से। ये दोस्तों मशीन इतना ऊपर रख के काटा है और टाइल्स नीचे रखी है और धार फ्रेश आई है, इसमें 06 बुलेट से कटिंग की है और इस पर मशीन टच नहीं हुआ था, स्क्रैच नहीं आते, और मशीन को हमेशा ऊपर रखे। अब दोस्तों यहाँ पे ये टाइल्स की पट्टी को सेट करेंगे, इस प्रकार से हम कटिंग करेंगे और फिटिंग करेंगे डिजाइन। तो ये कटिंग दिया काट कोनिया की सहायता से, मैं आपको दिखाता हूँ इस प्रकार से, एक एक पॉइंट दिखाता हूँ बारीक से दोस्तों, ध्यान से समझे डिजाइन बनाने के बारे में। आपको समझ में नहीं आया था कमेंट करके जरूर बताएं। ये कटिंग कैसे किया, ये काट कोनिया की सहायता से हमने ये ऐसा कटिंग किया, और वो का वो सिस्टम यहाँ पर रहेगा ये दोस्तों, ये सेम टू सेम कटिंग आएगी, बेस्ट कटिंग। और इसको यहाँ पर करेंगे सेट ये दोस्तों, ये फिर यहाँ से मार्किंग करेंगे ऐसे, ये दोस्तों मार्किंग करेंगे, ये देखिए दोस्तों ये कटिंग किया था इस प्रकार से, ये काट कुनिया की सहायता से हमने ये कटिंग किया था, वो का वो सिस्टम यहाँ पे रहेगा ये दोस्तों, काट कुनिया की सहायता से ये कटिंग, ये सेम टू सेम। अब यहाँ से करेंगे नाप इसका, ये दोस्तों अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कटिंग के बारे में कैसे कटिंग किया था, ये दोस्तों इस प्रकार से कटिंग करेंगे, वापस मैं आपको दिखाता हूँ, पहले फाइनल कटिंग करेंगे, थोड़ा बहुत पट्टी बड़ा रखेंगे, फाइनल घिस के रखेंगे, करेंगे सेट। को टाइल्स को ये कारपेट है हमारा, इस प्रकार से इसको चिपकाएंगे डिजाइन को। विष्णु ये यहाँ से सेंटर रहेगा, पुडला भाटा देगा, सारी रेंज बनाएंगे तैयार करेंगे, ऐसी डिजाइन दिखेगी आपको, कैसा लुक दिखा, बहुत बढ़िया शानदार डिजाइन रहेगी।
दो नंबर भाग में हम बनाएंगे रेंज, और तीसरे भाग में हम करेंगे सीडी की डिजाइन की फिटिंग के बारे में। भाग नंबर तीसरा में दिखाएंगे पूरा प्रोसेस। दोस्तों यहाँ पे रखेंगे ये बड़ी वाली रेजर, बड़ी वाली रेजर अपने, ये रेजर है अपने 5.25 इंच। तो ये 5.25 इंच यहाँ तक आएगी, यहाँ में। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।